मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम बुराई कर रहे हैं। हम ऐसे क्यों करते रहते हैं? हम पाप करनो ना चाहते हैं तंगो पाप करते रहते हैं, जो कारण कि हम अपने आप के बदल ना पाते हैं। हम भलाई करनो चाहते हैं परंतु बुराई करते हैं, इस कारण कि हमारे अंदर पापी मन है। शायद हम अपने हाथों से कुछ चोरी करते हैं। यदि तुम अपना हाथ काट भी दो तो वैसे कोई फायदा ना होगा, कल तुम फिर चोरी करोगे। चोरी करने की इच्छा तो हमारे अंदर से ही पैदा होता है, जाके शुरुआत अंदर से होता है, तुम्हारे हाथों से ना। ऐसे ही हर एक पाप के साथ है। यदि तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो तुम उसे पानी से धोकर साफ कर ले। क्या तुम अपने पापी मन को पानी से धोकर साफ कर सकते हो? ना, तुम चाहे कितनी बार हंदाई लियो, तुम पाप करनो जारी रखते हो। हमारे बुरे शब्द हमारे मन की बुराई से आते हैं, हमारे बुरे विचार हमारे गंदे मन से आते हैं। का तुम कभी चीता देखे हो? बाकी शरीर में दाग होते हैं। का चीता अपने उन दागन के कितनी कोशिश करके या धोए के मिटा सकते है? ना, काहे वो अपने दागन के ना मिटा सकते, क्योंकि वे दाग कोई बाहर से बाकी शरीर में बंधे हुए ना गए हैं, वे अंदर से आए हैं। चीता अपने आप के बदल ना सकते। उसी तरह हमारे पाप कोई बाहर से आए हुई चीज ना है। जो भी पाप हम करते हैं वह जो दिखाते कि हमारे मन के अंदर पाप भरो है। बहुत से लोग कहते हैं बुरे कार्य करना छोड़ दो, पर वे यह नहीं बताते हैं कि हम कैसे अपने बुरे पापी मन और स्वभाव को बदलें। क्या चीता या बगटा गैया के हानि बाज सकते है? क्या वो कह सकते है आज मैं सिर्फ घास ही चुगूंगो? ना, सिर्फ परमेश्वर ही वो बगटा के बदल सकते है। बहे की तरह यह ना कह सकते कि आज मैं सिर्फ भलाई ही करूंगो। केवल परमेश्वर ही हमारे पापी मन को बदल सकते है और हमारे भीतर भले करने की इच्छा पैदा कर सकते है। यदि एक चोर को सजा मिले तो शायद वो चोरी करना छोड़ देगो, लेकिन बाकी अंदर से चोरी करने की इच्छा का कौन निकाल सकता है? जो तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते है। मेरे मित्र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। एक है जो हमारे मन से पाप के हटा सकते है, वह उन्हें अच्छो बना सकते है। वो तो है परमेश्वर को इकलौतो पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वो हम में से प्रत्येक को एक नया मन दे सकते है, वाके द्वारा हमें भलाई करने की सामर्थ होगी। यीशु तुम्हारे मन के अभी बदलना चाहता है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत ना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। अपने पापों को यीशु के बताओ और उन्हें छोड़ दो। यीशु से विनती करो कि वह तुम्हारे बुरे हृदय को बदल के भलो बनाए दे। वासे कहो कि अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर रखे। वो ऐसा तब करेगो जब तुम पापों से फिरकर यीशु पर विश्वास करोगे। बाइबिल हमें बताता है कि यीशु मसीह फिर जो दुनिया में दोबारा आगो, उस समय वो सब बगटन के बदल देगो और वे फिर बुट्टी ना खाएंगे, वे गैया के हानि घास खाएंगे। लोग उनसे ना डरेंगे, जो एक बहुत आश्चर्यजनक की बात होगी। बाके द्वारा यह प्रमाणित होगा कि यीशु बहुत सामर्थी है। एक बगटा को बदलने की बड़ी बात है, लेकिन एक व्यक्ति के हृदय को बदलना उससे भी बड़ी बात होगी।